इंडिया टीवी आपकी आवाज। जयपुर में इकबाल हत्याकांड के बाद टेंशन जारी। लूटपाट के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन, उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग। व्यापारियों के समर्थन में हिंदू संगठन भी उतरे बड़ी चौकर पर पहुंचे लोग। परकोटा क्या बंद, मुआवजे का भी विरोध। इकबाल की मां ने भी प्रदर्शन की मांगी इजाजत। मुस्लिम महिलाएं करना चाहती है प्रदर्शन, पुलिस ने परमिशन देने से मना किया। लैंड फॉर जॉब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। लालू राबड़ी और तेजस्वी मीसा भारती को मिली जमानत। लालू फैमिली को 50,000 के निजी मुचलके पर दी गई है बेल। 16 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई। कोर्ट ने 17 आरोपियों को पेश होने का दिया था आदेश। लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी, रुचिरा बैनर्जी को ईडी का समन। अभिषेक को 9 और रुचिरा को 11 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह के घर ईडी रेड। सुबह 7 बजे से टीम की छापेमारी जारी। दिल्ली शराब घोटाला केस जांच के सिलसिले में छापा। ईडी की चार्जशीट में 3 जगह संजय सिंह का नाम। दिल्ली शराब घोटाले के 2 और आरोपी बने सरकारी गवाह, जिसके बाद संजय सिंह तक पहुंची ईडी की टीम। सांसद संजय सिंह पर ईडी रेड पर आपका बयान। पीएम मोदी और अडानी पर सवाल उठा रहे थे संजय सिंह, इसीलिए हुई कार्रवाई। संजय सिंह पर ईडी रेड पर बोले सीएम केजरीवाल, चुनाव आते ही शुरू हो जाती है छापेमारी, अब तक जांच में कुछ नहीं मिला। ईडी रेड पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, काल्पनिक घोटाले में 15 महीने से ईडी सीबीआई की छापेमारी, 1 रुपया भी बरामद नहीं। संजय सिंह पर ईडी रेड पर बोले तेजस्वी यादव, चुनाव है तो ये चलता रहेगा। आप सांसद के घर रेड पर आरजेडी का बयान। पीएम मोदी शाह की टीम ने 2024 चुनाव का किया ऐलान, फूटने वाली है इनकी हांडी। संजय सिंह पर ईडी रेड पर संजय राउत के सवाल, जहां विपक्षी दल वाले राज्यों में छापेमारी, बीजेपी राज्यों में रेड क्यों नहीं। विपक्षी नेताओं पर छापे पर संजय राउत की चेतावनी, 2024 में देना पड़ेगा हिसाब, सरकार बदलने पर कटघरे में खड़े करेंगे। संजय सिंह के घर ईडी रेड से आपके कट्टर ईमानदार नेताओं के चेहरे बेनकाब, बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा। आप पर बीजेपी का आरोप, सीएम केजरीवाल के घर में हुआ शराब घोटाले में करोड़ों का हेरफेर, अब लोगों को मूर्ख बनाने में जुटे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले सुबह ही एक और भ्रष्टाचारी पर रेड की आई खबर, सीएम केजरीवाल तुरंत इस्तीफा दे। दिल्ली में आप हेडक्वार्टर के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल, दिल्ली शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के सांसद और विधायक शामिल, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी जुटे। ईडी की रेड पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का आरोप, तानाशाही रवैया अपना रही है बीजेपी, विरोधियों को डराने की कोशिश। आप सांसद संजय सिंह पर रेड पर जेडीयू का रिएक्शन है, राजनीतिक विरोधियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है बीजेपी। आप सांसद संजय सिंह पर ईडी रेड पर समाजवादी पार्टी का बयान, ये बीजेपी का नया तानाशाही मॉडल। ईडी रेड पर बोले संजय सिंह के पिता, विभाग को हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट क्लियरेंस देने का करेंगे इंतजार। दिल्ली आईटीओ चौराहे पर बीजेपी की होर्डिंग, बीजेपी की ओर से केजरीवाल का इस्तीफा मांगा गया, लिखा शराब घोटाले के सरगना है केजरीवाल। न्यूज क्लिक मामले में आरोपी प्रबीर पुरकास्त और अमित चक्रवर्ती की कोर्ट में पेशी, पुलिस को मिली 7 दिन की रिमांड। दिल्ली में म्यूजिकल न्यूज क्लिक का म्यूजिक का ऑफिस किया गया सील। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने न्यूज क्लिक से जुड़े कई कैंपस में रेड भी की। दिल्ली में कृषि भवन में देर रात तक दिखा टीएमसी का हंगामा। पुलिस ने अभिषेक बैनर्जी सहित 40 लोगों को जबरन कृषि भवन में से निकाला। पुलिस ने कृषि भवन में धरना प्रदर्शन कर रहे टीएमसी नेताओं को हिरासत में लिया। अभिषेक बैनर्जी को घसीट कर पुलिस ने ले गई। नांदेड़ में सांसद हेमंत पाटिल के खिलाफ FIR दर्ज। शंकर राव चौहान अस्पताल के डीन ने दी शिकायत, टॉयलेट साफ कराने का आरोप लगाया। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में मौत की जांच के लिए बनी डॉक्टर्स की कमेटी, मेडिकल एजुकेशन मंत्री हसन मुशरीफ ने कार्रवाई का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुशरीफ की बयान, नांदेड़ अस्पताल में दवाओं की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी। जातिगत जनगणना पर बोले लालू यादव, पूरे देश में होनी चाहिए जनगणना, गरीबों दलितों को मिलेगा हक। एमपी में चुनाव से पहले सीएम शिवराज का महिलाओं को तोहफा, सरकारी नौकरियों में 35% कोटे का नोटिफिकेशन जारी। एमपी के सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पब्लिक से पूछा सवाल, पूछा लड़ूं या नहीं लड़ूं चुनाव। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल हाथ में रिवॉल्वर लेकर पहुंचे भागलपुर मेडिकल कॉलेज, पोती का सिटी स्कैन कराने पहुंचे थे विधायक। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की समस्याएं जल्द दूर करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। बंगाल दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत नॉर्थ 24 परगना के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा करने पहुंचे। हरियाणा के करनाल में PSI बेंच की बॉक्सिंग आउट परेड, सीएम खट्टर ने ली सलामी, परेड का किया निरीक्षण। भारत जापान के बीच बड़ा समझौता, NIIF के लिए $600 मिलियन का बनेगा कोष, JBIC और सरकार में बनी सहमति। बिहार में कांस्टेबल एग्जाम रद्द होने से युवा निराश, कहा कि नीतीश को पीएम, तेजस्वी को सीएम बनने से फुर्सत नहीं। सिक्किम के सिंगटम में फटा बादल, इलाके में बने बाढ़ जैसे हालात, तेज धार में बह गए कई मकान। सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़, सैलाब में सेना के 23 जवान लापता, लोहन झील के ऊपर फटा बादल। सिंगतम पहुंचे सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग, बादल फटने से हुई तबाही का जायजा लिया। सेना की कई गाड़ियां भी मलबे में डूबी, सैनिकों की तलाशी के लिए ऑपरेशन जारी, डिफेंस PRO ने दी जानकारी।
सिक्किम आपदा पर सीएम ममता पर ट्वीट, लिखा कि 23 सैनिकों के लापता होने से चिंता, बंगाल सरकार करेगी मदद। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सरकारी ऑफिस के बाहर लिखे खालिस्तानी नारे, अज्ञात लोगों ने लिखे स्लोगन। हरियाणा के मानेसर गांव में महापंचायत मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई का विरोध, बताया राजनीतिक साजिश का है शिकार।